दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 1843 का जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ये हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 1973 में ये सिर्फ छोटा सा दिया गया था कि अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो, फंडामेंटल राइट्स का हो, तो आप भी वही ऑर्डर कर सकते हैं जो हाई कोर्ट सकती है, सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन। एक विंडो दिया गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा भी तोड़ दिया, दीवारें भी तोड़ दी। तो इस मिसयूज जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है आर्टिकल 1843 का, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको कैसे रोकेगी, ये जुरिसडिक्शन उसको दी जा रही है सर, ये मेरा क्वेश्चन। थैंक यू, आपका बहुत वजन है आपकी बात पे, और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा तो नो इन अंग्रेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी, मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल, आई वाज रेफरिंग टू दैट। नाउ 184 186 199, आई हियर यू। अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यार, माफ। आईनी अदालत के पास हो, 199 आपका हाई कोर्ट के पास है, उनका इख्तियार है, उस पे बहस हो। एक आर्ग्यूमेंट है, एक प्रपोजल है बाकायदा पीपल्स पार्टी का, जो केस पे कंसेंसस नहीं बना, कि जैसे हम वफाकी आईनी अदालत बना रहे हैं, तो क्यों नहीं सूबे में भी आईनी अदालत बनाया जाए, ताकि एक कोर्ट हो 199 का और एक कोर्ट हो आम केसेस का। और अगर 50% केसेस 199 के मुताबिक है, तो बाकी केसेस को भी इस तरीके से, मगर ये काम अगर होता भी है, हम चाहेंगे कि सारे हाई कोर्ट बार्स और सारे हाई कोर्ट्स को ऑन बोर्ड करके ये काम करें, मैं समझता हूँ ज़रूरी है, बट अभी तक उस पर ऊपर कंसेंसस नहीं बना। एक पॉइंट जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आई नीड टू गो बैक टू दैट।